हेलो व्यूअर्स, राम कमल विथ यू। आज हम भारतीय म्यूजिक के महानता के बारे में जानेंगे और ये किस हद तक प्रभावी है या प्रभावी था पुरातन काल से, इसको समझेंगे। लोग संगीत में खो जाते थे, संगीत की गुणवत्ता इस प्रकार की थी। हम बात कर रहे हैं तानसेन की। कहानी तानसेन और अकबर सम्राट के बीच संवाद से आरंभ होती है। एक बार की बात है कि तानसेन, जो कि बहुत ही उच्च स्तर के गायक थे, अकबर के सामने एक गाना गाते हैं। अकबर गाना को सुनने के बाद इतना प्रभावित होता है कि कहता है कि तानसेन आप महान हैं। तानसेन अकबर की बात सुन कर के कहते हैं कि हमसे भी महान हमारे गुरु हैं। जब अकबर यह बात सुनता है तो अकबर तानसेन से कहता है कि मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। तानसेन बताते हैं कि हमारे गुरु हिमालय में रहते हैं, और अकबर और तानसेन दोनों हिमालय में जाते हैं। अकबर के सामने तानसेन एक शर्त रखते हैं कि हमारे गुरु तभी गाते हैं जब उनकी इच्छा होती है। तो अकबर कहता है ठीक है। तो कुछ दिन रहते हैं वहाँ पर लोग, अकबर और तानसेन, और एक दिन की घटना होती है कि तानसेन एक गाना गाने शुरू कर देते हैं, जिसको सुन करके उनके गुरु को उसमें गलतियाँ मिलती हैं, कमियाँ मिलती हैं, और उनको डांटने लगते हैं और उस गाने को खुद गा करके सुनाते हैं। अकबर वहाँ बैठ, अकबर सुनने के बाद इतना आत्मविभोर हो जाता है, आत्मविभोर हो जाते हैं कि अपने को भूल जाते हैं। अपने को भूल जाते हैं और इस तरह से भारतीय संस्कृति इतनी प्रभावशाली थी कि उस समय लोग संगीत में खो जाते थे। दिस वॉज हाउ इंडियन म्यूजिक वी विल वन थिंग, एक चीज़ और स्पष्ट कर दूंगा कि अकबर ने पूछा तानसेन से कि आखिर में इतना अच्छा वो कैसे गा लेते हैं। तो तानसेन ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे गुरु तभी गाते हैं जब उनकी इच्छा होती है, इसलिए उनका संगीत जो है इतने उत्तम गुणवत्ता का है। हियर इज द स्टोरी रिटन बाय आर श्रीनिवासन। देयर इज प्रोग्राम, इज ए प्रोग्राम एंड सॉन्ग इज सॉन्ग बाय तानसेन। व्हेन अकबर listened that he lost his conscious, he forgot himself where he is and appreciated Tansen, saying this that you are the great. Then Tansen says, my master is greater. Then Akbar asks, where does his master live? Then
तानसेन टेक्स हिम टू हिमालया एंड ही सेज दैट माय मास्टर विल सिंग व्हेन ही डिजायर्स एंड दे स्टेड देयर फॉर सम डेज. वन डे तानसेन सिंग्स अ सॉन्ग एंड there is some problems, there is some mistakes his master Guru Haridas finds, and he starts singing himself. When the Akbar listens that, he felt very 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 different, very very differently, means he lost himself fully, and this is the effect of our Indian music from ancient time. When Akbar asks to Tansen why he sings better, Tansen replied that because he sings when he wants, that's the reason he expressed. Thank you for being here.